माफियाओं का आतंक है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। नमस्कार, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूँ हंगामा टाइम्स न्यूज में। हाल ही में मोहनलालगंज में जिस तरह से सरकारी जो कि ग्रामोद्योग की जमीन बताई जा रही है, जिस पर माफियाओं का आतंक काफी हद तक बढ़ गया है, जहां पर ग्राम प्रधान द्वारा उस पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है, जिसका विरोध क्षेत्रीय विधायक अमृत सिंह पुष्कर ने किया और विरोध के बावजूद अभी तक प्रशासन सख्ती में नहीं आया। आज हमारे संवाददाता ने विधायक से फिर से बात की और जाना कि इस पूरे मामले में किस तरह की कार्रवाई प्रशासन द्वारा की गई या किस तरह की ढिलवाई हो रही, या कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जिस तरह से कहती है कि भूमाफियाओं पर लगाम लगाएंगे, तो उसी तरह से ग्रामोद्योग विभाग द्वारा किस तरह की कार्रवाई की गई, या जिस तरह से तहसील प्रशासन द्वारा किस तरह की कार्रवाई की गई या अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। देखते हैं कि विधायक का क्या कहना। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। अब देखिए, राजधानी में लॉकडाउन में ये क्या हो रहा है। सरकारें अपनी तमाम कोशिशें करती तो हैं आम जन के विकास के लिए, लेकिन सरकारी महकमे सरकार की नीतियों पर पानी फेरने का काम करते हैं। ऐसा ही महकमों का एक कृत्य सामने आया है। राजधानी के मोहनलालगंज गौरा प्रधान प्रतिनिधि प्रमोद द्विवेदी, तहसीलदार ग्राम उद्योग अधिकारी बने भूमाफिया और जुट गए अवैध निर्माण में। भूमाफिया अधिकारियों को न कार्रवाई का डर न ही कोरोना का। आखिर सरकार विकास आमजन का करे तो कैसे करे, यह देश के विकास की बात है। क्या योगी सरकार ऐसे भूमाफिया अधिकारियों को तिहाड़ जेल भेजने का काम करेगी जनहित में। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। आपके द्वारा अभी एक तारीख को मामला उठाया गया था कुंभकार उद्योग समिति के बारे में, इसका इस पर क्या सरकार ने मतलब अभी तक कोई कार्रवाई की या आपको किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई है? देखिए, मेरे द्वारा अभी जो मुझे कुछ दिन पहले मामला यहाँ गौरा कॉलोनी है जो ग्राम सभा गौरा में आती, वर्तमान समय में ये टाउन एरिया मोहनलालगंज का एक भाग हो चुकी है, और यहाँ पर एक रोड किनारे हाईवे किनारे एक बेशकीमती ज़मीन है जिसकी कीमत मतलब बहुत ही करोड़ों में है, और वहाँ पे एक समिति चलती थी 1961 में, आज से लगभग 2 दशक पहले, कि जिसमें चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने का काम यहाँ के लोगों द्वारा किया जाता था। उसकी एक फैक्ट्री लगी हुई थी जिसको बंद हो जाने से वो उसका भूभाग अभी शेष पड़ा हुआ था, उसी के कुछ पार्ट पे दबंगों द्वारा, क्षेत्र के दबंगों द्वारा उस पर बड़े हिस्से पे मतलब अपनी प्लाटिंग कर ली गई। उस प्लाटिंग के लिए रास्ता निकाल लिया गया, तमाम तरीके का अवैध अतिक्रमण हो गया। मैंने इसके बारे में अभी एक तारीख को जिलाधिकारी महोदय को एक पत्र लिखा था और एसडीएम साहिबा मोहनलालगंज को उसकी प्रति दी थी। मैंने उसमें उस अवैध कब्जे को हटाने की और जो जिस प्रकार जो अवैध कब्जा लोगों ने कर रखा उस कब्जे को मुक्त करा के ग्राम सभा या उसको कहते कि सरकार के में वो ज़मीन को रखने की बात की थी, जिसके विषय मैंने पत्र लिखा, लेकिन मुझे नहीं लगता आज तक प्रशासन द्वारा मुझे कुछ अवगत नहीं कराया गया है। क्या कार्रवाई हो रही क्या नहीं हो रही प्रशासन द्वारा भी मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो जो दबंग भूमाफिया है उसके अप्रोचेस बहुत दूर दूर तक हैं, अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही है मुझे। अच्छा, तो अभी इस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा।